देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की स्मृतियों को सजो कर रखना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आने वाली पीढ़ी शहीदों से प्रेरणा लेकर देश हित के लिए कार्य करे, इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना अंचल के गांवों में शहीदों की प्रतिमा स्थापित कराई है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कई गांव हैं जहां देश की सेवा में कुर्बानी देने वाले शहीदों ने जन्म लिया था। यहाँ उनकी प्रतिमाओं को देख कर हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आजादी के आंदोलन में शहीद हुआ हो, कोई व्यक्ति सीमा की रक्षा करने के लिए शहीद हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई जानता बेशक ना हो, लेकिन उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण जरूर होता ही होता है। और इससे हम सबको यह प्रेरणा मिलती है, जीवन में व्यक्ति को वतन के बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन मिलिट्री में जाने का जो जज्बा है उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आजीविका भी मिलती है और पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित रहता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेरणा से दिमनी विधानसभा क्षेत्र के उन गांवों में जहां शहीदों की प्रतिमाएं हैं, शहीदों की याद में कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। भारत माता को आजादी मिले, इस हेतु हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। हंसते हंसते हमारे पूर्वज फांसी के फंदों पर झूल गए, तब लहू से सनी हुई यह मूल्यवान आजादी हमारे देश को प्राप्त हुई। अगर आजादी नहीं मिलती तो गांव में सरपंच नहीं होते, विधायक नहीं होते, सांसद नहीं होते, हमारी सरकारें और हमारा संविधान नहीं होता।